नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ HDFC बैंक के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैंने HDFC बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया तो मुझे ऑफर कब से आने लगेंगे, कब से मुझे क्रेडिट कार्ड मिलना चालू हो जाएगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि HDFC बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपका कम से ना कम 5000 का आपका अकाउंट ओपन होगा। 5000 वाला अकाउंट ओपन करवा लो, या तो आप 15 या तो 25। अगर आप अकाउंट इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन करवा लेते हो, उसमें अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। अगर मान लो मैक्सिमम अगर आप 5000 वाला अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो आपको अपने अकाउंट में 5000 रुपया बैलेंस मेंटेन के रखना पड़ेगा। अगर आप 5000 से कम बैलेंस अगर आपका रहेगा तो आपको उस पर चार्ज और GST मंथली लगेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आ गया, अगर जो लोग पैसे मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में तो उन्हें क्रेडिट कार्ड का ऑफर कब आएगा? तो मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड का जो ऑफर होता है ये बैंक डिसाइड करता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे 6 मंथ में आ गया, कोई बोलता है मुझे 4 मंथ में आ गया, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका कोई भी रोल आपका वर्क नहीं करता है। आपका ओनली एक ही रोल वर्क करता है, अगर आप अकाउंट ओपन करवा लेने के बाद अपने अकाउंट में अगर आप पैसे को ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट करते हो, साथ ही साथ अपने अकाउंट में कम से ना कम अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपया अगर मेंटेन किए हो और आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जैसे कि आपने HDFC बैंक से अगर आपने किसी भी मोबाइल शॉप पे आप गए, वहाँ पे जाके अगर आप HDFC बैंक पे कोई भी एक मोबाइल या तो इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप फाइनेंस करवा लेते हो तो आपका सिविल स्कोर वहाँ से जनरेट होता है और यहाँ पर आपने अकाउंट जो है अपना खुलवाया है तो यहाँ से आपको जल्दी ऑफर आने का चांस रहता है। बट दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं अपने अकाउंट में 1 से 2 लाख रुपए मेंटेन किया, मुझे कोई ऑफर नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, ऑफर ऐसे नहीं आता है। आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख मेंटेन करो, इससे नहीं होता है। इसमें आपका सारा रोल बैंक का होता है। बैंक आपके सिस्टम, आपके पूरे रिकॉर्ड को देखता है कि आप किस तरह से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, सब कुछ देखने के बाद आपको जो है सामने से ऑफर आ जाता है प्री अप्रूव। तो यहाँ पे आप लोगों को कम से ना कम अपने अकाउंट में, मैंने आपको बताया, कम से ना कम 50,000 के ऊपर ही आपको रखना पड़ेगा। और एक बातों का और आपको ध्यान देना है, आप 50,000 न रख सकते हो तो आप 10-15 हज़ार ही रखो और आप एक मोबाइल फाइनेंस करवा लो HDFC बैंक से, या तो अमेजोन पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड से EMI का ऑफर मिलता है। आप मोबाइल ले लो और उसका टाइमली पेमेंट करो। इसी के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट मत करो, बैंक से पैसा ऑटो डेबिट होने दो और जब आपका पैसा ऑटो डेबिट होगा तो आपका जो है सिविल स्कोर जनरेट होगा, इससे आपको ऑफर आने का चांस ज़्यादा रहेगा। मैं आपको बता दूँ, HDFC बैंक आपको ऑफर जल्दी देता है, बट कुछ रूल और पॉलिसी है जो लोग फॉलो नहीं करते, उनको ऑफर नहीं मिलता है। तो आप लोग 2-3 ऐसी सावधानियाँ जो आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे कि आपने अकाउंट ओपन करवाया तो अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके आपने रख दिया और कोई खर्च नहीं करो, इस तरह से आपको ऑफर नहीं आएंगे। आपने अकाउंट में 5 से 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया रख के उस पैसे को भूल जाओ। आप इसके बाद पैसा अपना डालो और पैसा डालो, यानी कि आज निकाल लिया, पैसा डाल के 4 दिन बाद 5 मिनट ट्रांजेक्शन करो और इसके बाद आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मोबाइल फाइनेंस करवा लो। आपको अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपका अगर सिविल स्कोर बढ़ता है, जैसे कि अगर आपको सिविल स्कोर जल्दी बढ़वाना है तो आपको होम क्रेडिट से जो है फाइनेंस करवा लेना मोबाइल, या तो आप HDFC बैंक से ही आप मोबाइल फाइनेंस करवा लो, आपका हो जाएगा। आपका जब सिविल स्कोर बढ़ जाएगा तो आपको प्री अप्रूव ऑफर क्रेडिट कार्ड जल्दी आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ, सबसे अधिक ऑफर देने वाला HDFC बैंक है, और बैंकें हैं बट ये सब बैंक की सारे रूल और पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर आते हैं, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं लगते हैं, आपको फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन होता है और आपको मिल जाता है, इसमें कोई इनकम प्रूफ नहीं देना था प्री अप्रूव ऑफर में। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान देना, आपका अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन ढंग से करना है और सिविल स्कोर भी आपका मायने रखता है, तो आप लोग वेट कीजिए। और एक बातों का और ध्यान देना, कभी भी आप अकाउंट में अपने ऐसा कोई एक्टिविटी मत करना, अपने अकाउंट में टाइमली पेमेंट जो भी आपका ECS है उसे बाउंस ही मत होने देना, आपका रिकॉर्ड बढ़ेगा, आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो मैंने आपको सारे रूल और नियम बता दिए, सिर्फ क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव ऑफर लेने के लिए इसका अकाउंट है HDFC बैंक में, इनका अकाउंट नहीं, उनके लिए कोई रूल कोई पॉलिसी नहीं है। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद, लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।